सो हाई एवरी वन, माई सेल्फ हितेन एंड आई एम ए सी बी एस सी 11th ग्रेडर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट एज वेल एज अ यू पी एस सी एस्पिरेंट. वेलकम टू द न्यू व्लॉग. सो बेसिकली दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी माई एग्जाम प्रिपरेशन, द फर्स्ट एग्जाम ऑफ 11th ग्रेड. सो आई एम प्रिपेरिंग फॉर दैट एंड दिस इज द डे ऑफ 5th ऑफ मे एंड द टाइम हियर इज करेंटली 7 AM इन द मॉर्निंग. एंड टुडे दैट डे देर वॉज संडे. And after that, I make my to-do list and by watching a vlog. So yes, फिर मैंने उस दिन अपनी to-do list बनाई और to-do list बनाने के बाद मैंने अपना to-do list का पहला काम start किया and that is economics. So yes, मेरा first exam, मेरा first test and monthly test economics का है on the 9th of May. So मैंने economics की preparation start की. यहाँ पर मैं chapter number 1 revise कर रहा हूँ, economics and economy. सो बेसिकली मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की एट दैट टाइम बाय वॉचिंग द लेक्चर ऑफ रजत अरोरा सर. लाइक ही इज़ अ वेरी अमेजिंग टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो यस, मैंने अब तक अपने सारे लेक्चर्स इन्हीं से ही देखे इकोनॉमिक्स के. सो यस, मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ एंड समझ रहा हूँ एंड साइड बाई साइड मैंने अपनी बुक एंड स्कूल की नोटबुक भी खोली हुई है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ताकि मैं लाइक अच्छे से बेसिकली उसमें लाइक लेक्चर में अटेंशन दे पाऊँ, अटेंड कर पाऊँ अच्छे से. तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट टाइम हो गया था यहाँ पे 11:44 AM. सो यस, 11:45 हो गए थे एंड उसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट किया आफ्टर अ ब्रेक. सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बेसिकली जो हमारे TRGN की बुक में एक्सरसाइज में लाइक पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए चैप्टर्स के उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि लाइक चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए, मुझे पता चल जाए कि मुझे चैप्टर कितना समझ आ गया. सो यस, फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए. क्वेश्चंस लगाने के बाद यहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ बेसिकली. यहाँ पे मैं जस्ट अपने छोटे से रिवीजन नोट्स भी हैं, लाइक मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे. कोई नोट्स ऐसे खास नोट्स नहीं बना रहा हूँ अभी तक. मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं अपने खुद से. बाकी मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल मतलब नोट्स बना रहा हूँ, बट इकोनॉमिक्स से मैं नोट्स एज सच लाइक खुद से जो सेल्फ स्टडी वाले नोट्स होते हैं अपने खुद से रजिस्टर में वो नहीं बना रहा हूँ इकोनॉमिक्स में. बस मैं ऐसे ही रिवाइज कर रहा हूँ अब तक. राइट नाउ द टाइम इट इज़ करेंटली इज 1:19 PM and now I'm start studying again after my lunch. So yes, now I'm starting again with microeconomics. Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves. राइट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी, लाइक मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अभी पढ़ने का. सो नाउ आई डिसाइडेड टू लाइक टेक अ ब्रेक, टेक अ शॉर्ट ब्रेक काइंड ऑफ थिंग एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन. बट नाउ आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. इट्स करेंटली 2:05 PM एंड यस आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज एंड दैट स्टडी आई वाज स्टडिंग इकोनॉमिक्स. Our best. So basically the current situation is ki I have my exams from the day after tomorrow. Means today is 7th of May and the day after tomorrow is from my exam is from 9th of May basically. Now like 9th of May ko mera first exam hai. Like not exam but first test hai. Monthly test keh sakte ho, unit test keh sakte ho, kuch bhi. So first exam or test hai economics ka and I am like seriously legit not prepared for that. So mujhe uske liye prepare karna hai. Main bhi school se aa gaya tha around 2:15 ke around and abhi ho rahe hain 5 PM, like abhi 5 PM ho rahe hain. So yes, abhi pehle we will going to have something. Main kuch khaunga and after that main apna padhai start karunga, apna फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट करूँगा. और आज मैं स्कूल से आके बेसिकली सोया भी नहीं हूँ बिकॉज मुझे पता है अगर मैं अभी सो जाऊँगा तो फिर मैं लाइक काफ़ी लेट लाइक 6:30 पर उठूँगा और फिर मेरा दिन तो यूँ ही वेस्ट हो जाएगा. पढ़ने के लिए तो कहाँ से इतना टाइम मिलेगा. सो यस, अभी मैं कुछ खाऊँगा फिर मैं उसके बाद मिलता हूँ आपको जब मैं सिर्फ मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा. सो यस, बाय. सो यस, एट 6:10 PM मैंने पढ़ाई स्टार्ट करना स्टार्ट की. मतलब कि बेसिकली मैं आप हिस्ट्री कर रहा हूँ. अब मैंने आपको बताया था कि मेरा इको का पेपर है बट मैं इको नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज लाइक गाइस हिस्ट्री का एग्ज़ाम लास्ट में है बट उसके अंदर लाइक एक भी गैप नहीं है. बेसिकली गैप तो किसी में भी नहीं है एक्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस बिकॉज क्योंकि उसमें सेकेंड सैटरडे और संडे पढ़ रहा है बस. सो यस, मेरा इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद लाइक नेक्स्ट डे
मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है सो और उस लाइक हिस्ट्री का सिलेबस बहुत फास्ट होता है. वैसे तो लाइक चैप्टर वन पूरा आ रहा है और चैप्टर टू में से लाइक एक टॉपिक आ रहा है जो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ. जब दिख रहा होगा कि चैप्टर टू का फर्स्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ रहा हूँ. सो यस वो आ रहा है तो बट लाइक थोड़ा वास्ट होता है हिस्ट्री का सिलेबस. काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, मेमोराइज़ करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ. तो यस जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ फ्रॉम द मैग्नेट ब्रेन्स. इंद्र विक्रम सर का लेक्चर है. लाइक सर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ उनका लेक्चर मैग्नेट ब्रेन्स है हिस्ट्री. और लाइक मुझे काफ़ी अच्छा समझ आ रहा है सर. काफ़ी इजी गोइंग, इजी तरीके से समझा रहे हैं. लाइक कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं समझा रहे, काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं. तो सब कुछ दिमाग में बेसिकली घुस रहा है. सो हाँ सब कुछ दिमाग में घुस रहा है. जस्ट मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ. मैंने फ़ोन लाइक कैमरा के लाइक उस तरफ रखा तो दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट. बट हाँ मैं लेक्चर ले रहा हूँ एंड जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ. Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fiery glow, mountains rise up, touching clouds above, valleys below, filled with whispers of love, on this road every seed's a delight, from sunrise to starlight, day to night, nature's canvas unfolding so grand. बेसिकली कल मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से ही दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री में. Neon signs flashing in the depths of night, skyscrapers stand tall reaching for the sky, as we pass by with dreams flying high, no maps, no plans, just an open road, wherever it leads we'll happily go. सो जो ये सब था मैंने जो हिस्ट्री में पढ़ा है इंपॉर्टेंट साइड में लिख लिया है और हाईलाइट भी कर लिया है. काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी बुक लग रही है बट मैंने नया हाईलाइटर ख़रीदा है तो थोड़ा यूज़ करने का मन था. ऐसा हर चीज़ के साथ होता है. एंड यस जो ये सब मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं बेसिकली हिस्ट्री में काफ़ी सारा लर्न करने का है. कई बार तो मुश्किल लगता है बट हाँ इंटरेस्टिंग भी लगता है. और बस एक ही टॉपिक आ रहा है सेकेंड चैप्टर से तो दैट इज़ अ गुड थिंग. और यहाँ पे 12:37 हो चुके हैं एंड उसके बाद मैं आ गया था नीचे वाले रूम में. मैंने रूम चेंज कर लिया बिकॉज ऊपर गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा. सो यस मैंने यहाँ पे आके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए जो आपको दिख रहा होगा मेरी नोटबुक में से. एंड रफ नोटबुक में लिख लिख के मैंने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की. मैं रट नहीं रहा हूँ गाइस, मैं समझ रहा हूँ. सो यस उसके बाद मेरी हिस्ट्री हो गई. फिर उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया बिकॉज भाई मेरा कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, कब तक ही हिस्ट्री पढ़ता रहूँगा. तो मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की. सो यस मैंने चैप्टर नंबर 2 किया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. और हाँ मैं चैप्टर नंबर 2 किया. लाइक हमारे स्कूल में लाइक मोस्टली NCERT नहीं लगवाते हैं स्कूल्स में, या तो TRGN या तो एक और बुक होती है तो एक संदीप गर्ग वो लगवाते हैं मोस्टली, इन दोनों में से लगवाते हैं. सो यस मैंने चैप्टर 2 किया. एंड हाँ मैं यहाँ पे जस्ट इन्जॉय द टाइम लैप्स मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. काफ़ी प्रोडक्टिवली पढ़ रहा हूँ. Dreams run deep on this road, every scene's a delight, from sunrise to starlight, day to night, nature's canvas unfolding so grand, in this journey we're living on plan. सो दिस इज़ द लास्ट क्लिप ऑफ दिस वीडियो. मैं यहाँ पे ऊपर आ गया था. लाइक रात का टाइम है, मैं पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है. बहुत नर्वस था बिकॉज फर्स्ट एग्ज़ाम है 11th grade का, सो होना भी चाहिए. एंड एग्ज़ाम बताऊँ कैसा क्या तो भाई कुछ खास अच्छा नहीं किया. लाइक कुछ समझ नहीं आया. लाइक जो पढ़ के गया उसमें से कुछ नहीं आया. मोस्टली सबका यही आंसर था हमारी क्लास में बिकॉज यस फर्स्ट टाइम इस टाइप की इकोनॉमिक्स फेस कर रहे हैं तो हाँ आ जाती है प्रॉब्लम. सो हाँ जैसा भी गया अब देखते हैं. हमारे सर ने भी कहा कोई बात नहीं.